अस्सलामुअलैकुम तमाम नाजरीन, खैरियत से होंगे नाजरीन। तो नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ। तो वीडियो का यही मकसद होता है कि आप दोस्तों से अच्छी वीडियो शेयर करें ताकि अपने चैनल में। तो सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट की जाती है, से अच्छी वीडियो चाहिए तो हमारे सोलर PB4 चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को ऑन कर दें। तो नाजरीन, आपने सबसे पहले आज जो वीडियो है, वीडियो यही मुतल्लिक है कि आप हमने PE में OU3 का फाड कैसे ख़त्म करना है। OU3 का फाड जो है, मैं इस वक्त भी आपको मेरी VFD जो है जो फाल्ट शो कर रही होती है, फाल्ट शो करने का यही मकसद होता है कि आपने VFD को कैसे OU3 का फाड ख़त्म करना होता है। OU3 का फाड उस वक्त आता है कि जब टू फेस से सिंगल फेस तक आप वोल्टेज जो है वो एडजस्ट कर लें, तो एडजस्ट करने से वजह से OU3 का फॉल्ट आता है, या VFD में कुछ सर्किट का मसला भी हो जाता है। इस वजह से भी आपकी VPE की जो सेटिंग है ना, वो आपको खोलनी पड़ती है। और आप अगर आप किसी जगह से VFD परचेज करना चाहें तो आपने यही एक चीज़ आपने दुकानदार से ज़रूर जो है ढूँढनी होती है। ढूँढने का मकसद या समझनी है कि आपने सबसे पहले एक को जो VFD में साथ में मैनुअल होता है, मैनुअल कापी जिसे कहते हैं, मैनुअल कापी आपने लेनी है। अगर किसी भी कंपनी की लें तो उसमें मैनुअल कापी लेना ज़रूरी होगी, क्योंकि उसमें VFD में PE का कोड जो होता है मुख्तलिफ VFD-ओं में है। जो आजकल 2023 मॉडल आ रहे हैं उसकी PE की और सेटिंग है और उसमें और पासवर्ड है। जैसा कि मेरी जो VFD है उसका यही है कि जैसे प्रोग्राम दबाया, यहाँ पर हमने PB पर गए। PB पर जाने का यही मकसद होता है कि आप दोस्तों को समझाने के लिए, अगर आपने VFD ख़रीदी है उसको कह के हमें जो VFD है इसकी जो PE की जो है सेटिंग का पासवर्ड अगर आपका सही वर्क कर रहा है तो हमें VFD हम परचेज करते हैं या ख़रीदते हैं। अगर आपकी PE का पासवर्ड आपको नहीं पता, आप मैनुअल से हमें देख कर अगर कन्फर्म है कि PE का पासवर्ड उसने, क्योंकि वापडा से आपको ऑन करके चेक करवाएगा कि आपकी VFD को PE का ये पासवर्ड है। अगर आपकी PE में जो VFD में पासवर्ड अगर ना वर्क करे जो वो बताए, तो आप कभी भी VFD परचेज ना करें। मैं ये सोलर PB4 चैनल से जानिब से आपको ये रिक्वेस्ट की जाती है। तमाम सब्सक्राइबर या तमाम नई वीडियो सुनने वाले, ये आपको ज़रूर ढूँढना है, क्योंकि आपकी आप ज़्यादा प्लेटें लगाएंगे तो आपके लिए अहम है कि PE की सेटिंग क्योंकि अहम होती है। अगर आपकी VFD, मिसाल के तौर आपने VFD ख़रीद लिए, VFD ख़रीदने के बाद आप कुछ अर्सा चलाते हैं, उसके बाद आप PE की जो सेटिंग है आप करना चाहें या आपका फॉल्ट आ जाता है, OU3 का फॉल्ट आ जाता है, तो आप कैसे ख़त्म करेंगे अगर आपके पास PE का पासवर्ड हो। जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त आपको PE का डाटा इंटर करता हूँ। डाटा इंटर करने के बाद ये 3 0 हैं, आगे मैं डाटा इंटर करता हूँ तो P0 फिर वापस आ जाती है। दोबारा डाटा इंटर किया तो 0 0 आ गई, 5 0 आ गई, फिर डाटा इंटर किया तो फिर 0 0 आ गई। मैं उसके बाद आपके सामने जो इस वक्त जो इस VFD में पासवर्ड दिया गया है ना, वो 40721 है। ये देखो, जैसे ही डाटा इंटर किया तो P01 भी लिखी गया, P02 लिखी गया, उसके बाद P03 भी लिखी गया। उसके बाद जैसे ही डाटा इंटर किया तो P07 भी लिखी गया। तो नाजरीन, उसके बाद आपने एक और भी चीज़ बताता चलो कि OU3 का फॉल्ट जो ये फॉल्ट होता है, जैसा कि मिसाल के तौर पे आप देख भी रहे हैं कि मेरी VFD पर के OU3 का फॉल्ट शो भी करा रही है हमारी VFD का यही मसला होता है कि जब आप ओवर टेकिंग या ओवर लोड या ओवर मिसाल के तौर पे सोलर प्लेटें लगाएंगे तो आपको ऐसा फॉल्ट VFD न्यू हो चाहे पुरानी हो वो फॉल्ट शो करेगी। तो आपने इस फॉल्ट को ख़त्म कैसे करना है या इस चीज़ को के लिए प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपने प्रोग्राम दबा देना, उसके बाद डाटा इंटर कर देना।
डेल्टा तो इंटर कर दिया, आगे आपसे पिन कोड मांगेगा, PE का पिन कोड कौन सा है। अगर आपको पता होगा जब प्रवेश जब आप खरीदते हैं उस वक्त उसको कहें कि वापडे से ऑन करके हमें PE का पासवर्ड चेक करवाएं, उससे बाद हम आपसे VFD खरीदेंगे। ये तमाम जो मेरे सोलर या तमाम जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, तमाम मेरी वीडियो देखने वालों के लिए ये रिक्वेस्ट है, ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारा जो चैनल है साथ में बेल के बटन को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि नाज़रीन यही हमारा आज का जो टॉपिक था, आज के लिए आपको इलानिया ये देना था कि आप कहीं से भी, क्योंकि ज़्यादातर मुझे यही मैसेज आ रहे थे कि हमारा PE का पिन कोड हमारी VFD में नहीं लग रहा, क्योंकि आपने एक मैनुअल भी लेना है और इससे जो जहाँ से भी लेनी है VFD PE का पासवर्ड ज़रूर जो है वो हासिल करके लेनी है।